मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले नालासोपारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत एक ज्वेलर्स व्यापारी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला नालासोपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे बुधवार देर रात का है, जहां ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद सिंह, कैलाश सिंह राजपुरोहित ब्रिज के नीचे सत्यम शॉपिंग सेंटर में खरीदारी करने गए थे। तभी रात के 10 बजे से 11 बजे के दरमियान बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े कुछ लोग व कपड़ा व्यापारी व उसके कुछ लोगों ने ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद सिंह की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस मामले में ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि चंदा देने के विरोध में ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर कई लोगों के साथ ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद सिंह, कैलाश सिंह राजपुरोहित ने भी विरोध जताया था, जिस बात को लेकर उन पर हमला किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह राजपुरोहित है। क्या कहेंगे आपके साथ में क्या घटना घटी हुई? कल रात में मैं हमेशा की तरह मेरा दुकान मंगल करने के बाद में मैं कारीगर के पास गया। उसके बाद में मैं शॉपिंग में 22 तारीख को राम जन्मभूमि के हिसाब से मैं झंडे लेने के लिए सत्यम शॉपिंग में गया था। वहाँ से झंडे लेने के बाद में मैं वहाँ पे सलोनी इमिटेशन दुकान है, वो जो मेरे फ्रेंड हैं विक्रम सिंह राजपुरोहित, मैं उनसे बात कर रहा था। और इसी दौरान पीछे बाबू सिंह राजपुरोहित मादा गांव के, जो एकदम पीछे से आए और मेरे को मारना चालू कर दिया। और उसके साथ में उनके दो लड़के भी आए, प्रवीण सिंह राजपुरोहित और निकुंज राजपुरोहित। वहाँ पे मुझे मारने को ये लोग लगे तो मैं मेरी जान बचा के भागने लगा। भागते भागते मैं घर की तरफ सिविक सेंटर के इधर सर्कल तक पहुँचा, तो तब तक ये लोग भी पीछे फ़ोन किए और भी बहुत से लोगों को बुला लिए। बुलाने के बाद में उन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ा और पकड़ने के बाद में मुझे ये लोग मारने लगे। और कम से कम 10 से 15 लोग ये लोग थे। और इसमें बाबू सिंह बार बार उनको जो बुलाए हुए जो गुंडे जो थे, फुल ड्रिंक भी किए हुए थे, उनके साथ में दो लेडीज भी थी लड़कियां, वो लोग सब मिलके मार रहे थे मुझे। और पब्लिक भी यहाँ पे लगभग 100-150 लोग इकट्ठे हो गए थे, सब देख रहे थे। और उन्होंने मुझे 3 बार गाड़ी में डाल के किडनैप करके लेके जाने की कोशिश की। वो बार बार बोल रहे थे कि इसको अपने एरिया में ले लो, अपने एरिया में ले लो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये रात को लगभग 10:15 के बाद की है। विवाद की बड़ी कोई वजह मुझे बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन ये बाबू सिंह मादा का जो है राजपुरोहित, ये बहुजन विकास पार्टी के नाम से ये बार बार लोगों को भी, बहुत हमारे समाज के लोगों को भी डराता है, लोगों को भी अलग अलग तरीके से डराता है। और ये जो चीज थी, हमारे गुरुदेव आए थे अभी 14 तारीख को मुंबई में, वो उनको कलेक्शन को लेके जो सामाजिक मैटर था उस पर डिस्कस हो रहा था, वो उसके गुस्से में ये इसने सब चीज की। ऑनलाइन हो रहा था ये सब, उसमें काफी लोगों ने जो है विरोध भी किया था, मैंने अकेले ने विरोध नहीं किया, लेकिन इन्होंने बाहर से गुंडे बुला के मेरे साथ में मारामारी की। और वो 4-व्हीलर गाड़ी में आए थे, गाड़ी का नंबर भी MH48CC3005 है, जो कि उसमें किरण बंसोड़े मेन था और उनके साथ में वो बाकी के सब लोग भी थे। इस मामले की आपने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई है? यहाँ से मारते मारते मैं अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते रिक्शे में बैठ के सीधा पुलिस स्टेशन में गया। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं वहाँ पहुंचा, उतने में 5 मिनट में ये लोग सब लोग भी वहाँ पे आ गए और पुलिस स्टेशन में भी मुझे पुलिस वालों के सामने मारा। और इस चीज का वहाँ पुलिस स्टेशन के रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं, वहाँ के वीडियो फुटेज में भी ये चीज मिलेगी, उन्होंने पुलिस वालों के सामने मुझे मारा मिलके। आप पुलिस प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से और पुलिस प्रशासन से ये करूंगा, इन्होंने आज मेरे साथ में ये 15-20 लोगों ने मिलकर जान से मारने की कोशिश की है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं न्याय की अपेक्षा रखता हूँ। उसके अंदर उन्होंने 7-8 लोग करके बताए हैं, जबकि मेरे हिसाब से जो है और ज्यादा सदस्य थे, 10 से 15 लोग थे। नालासोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट।